नमस्ते दीदी, क्या कर रहे हैं? दीदी कैसे हैं? ठीक है, नमस्ते मेरे तरफ से भी। और पर्व वर्व कैसे मनाए? ठीक से सब ठीक है? पर क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे थे। बैठिए, आप भी इधर बैठिए। क्या कर रहे हैं? जैविक कीटनाशक का दवा बना रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे जो फसल में जो कीट पतंग लगते हैं ना, वो उसका बचाव के लिए, जो साग सब्जी जो भी हम लोग लगाते हैं उसका बचाव के लिए। तो जो दवा बना रहे हैं उसको हमको भी बताइए, जो कि हम मेरा समूह में भी बता सकें हम। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बता देंगे आपको भी। आप भी अपने समूह में जाके बताइएगा। ठीक है, बताने से पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सुभद्रा देवी, मेरा गांव का नाम है बड़पोस, मेरा समूह का नाम है इंदिरा महिला विकास स्वयं सहायता समूह नारी शक्ति। तो दीदी क्या क्या सामग्री लगता है इसमें? जैसे कि इसको देखिए, लहसुन है ये 250 ग्राम उतना लगता है। ठीक है, उसके बाद ये मिर्चा का पाउडर है, ये भी 250 ग्राम ऐसे लगता है। फिर ये खैनी है, जो पत्ता वाला खैनी होता है ना जी, वो गोटा गोटा रहता है, उसको पीस कैसे बारीक महीन कर लेते हैं, ये भी 250 ग्राम लगता है। और ये नीम का तेल है, नीम का तेल तो हम लोग का जैसे देहात में भी मिलता है वही नीम का तेल है, ये भी 1.5 लीटर है। दोनों में मिला के इसमें 1 लीटर, इसमें 0.5 लीटर, 1.5 लीटर है। और इसको मिलाने के लिए एक बाल्टी का भी ज़रूरत है। तो दीदी बताइए इसका प्रक्रिया कैसे करते हैं, किस विधि से बनाते हैं, उसको बना के थोड़ा दिखाइए हमको भी, जो कि मेरा समूह में हम बता सकें और बना सकें। हाँ ठीक है, बता देंगे। जैसे कि ये नीम का तेल है जो 1.5 लीटर है, इसको पहले डालते हैं। हाँ दीदी, फिर देखिए तेल डाल दिया, उसके बाद इसको डालेंगे लहसुन को जो बारीक पिसा हुआ है ना, इसको भी डाल देते हैं। इसको डाल दिए, देखिए सब ऐसे महीन इसको पीसना है। वह थोड़ा इसे चला देते हैं, मिक्स हो जाता है तेल में। तो इसमें लहसुन को डाल दिए? हाँ, लहसुन इसको डालें तेल में, उसके बाद थोड़ा इसे चला दिए ताकि सब तरह से ये भी मिक्स हो गया बोल के मिल गया। उसके बाद फिर मिर्चा को डाल देते हैं, ये भी 250 ग्राम, ये भी पूरा बारीक पाउडर मिला होना चाहिए है ना, और गोटा गोटा मतलब अच्छा नहीं होता है, पूरा बारीक रहेगा तो अच्छा होता है, मतलब महीन रहने से पाउडर हाँ अच्छा मिक्स हो जाता है। हाँ, और उसका जो पेस्ट होता है ना वो अच्छा से बन जाता है। ठीक है, इसको कितना देर तक चलाते रहिएगा? इसको आधा घंटा तक चलाते रहना है, सब मिक्स होने के बाद, सब मिला लेने के बाद। उसके बाद एक खैनी का पाउडर है, इसको भी गोटा था इसको भी पीस के महीन कर लिए हैं, इसको भी पूरा पाउडर की तरह इसे करके इसको भी मिलाना है। देखिए दीदी इसको कैसे मिला रहे हैं, इसमें लहसुन डाल दिए, फिर मिर्चा दिए, उसके बाद वो खैनी का पाउडर इसमें डाल दिए, तेल दिए थे, फिर इसको आधा घंटा तक चलाते रहना है। ठीक है, इसमें अच्छा से चलाने से अच्छा से मैंने पेस्ट तैयार हो जाए। हाँ, इसीलिए ताकि इसका पेस्ट भी अच्छा से बन जाए और अच्छा तरह से ये तैयार हो जाए। ठीक है, तो दीदी अब तो घोल इसको मिला लिया, पूरा मिश्रण कर लिया इसका जी, इसके बाद क्या कीजिएगा? इसको एक प्लास्टिक से ढक देते हैं और इसको ढक के 3 दिन तक रख देते हैं। थोड़ा सा पकड़िए, मदद कीजिए कपड़ों से, खींचते रहिए जी, इससे क्या होता है। इसके बाद इसको इसे बांध के रख देंगे ताकि इसमें हवा हवा कुछ ना घुसे। इसका उपयोग कैसे कीजिएगा? इसका उपयोग जैसे यहाँ से 5 ml निकाल लेंगे, निकाल के 1 लीटर पानी में घोल देंगे, घोलने के बाद उसको छान देंगे कपड़े में, बारीक वाला कपड़ा में छान करके फिर उसमें 4 ग्राम सर्फ डालेंगे, सर्फ डालने के बाद उसको घोल देंगे और उसका छिड़काव करेंगे।
तो दीदी सर्फ क्यों डालते हैं? वो सर्फ इसलिए देते हैं जैसे कि पौधा सब में दवा चिपक जाए, इसलिए सर्फ को मिला करके देते हैं। तो दीदी बहुत अच्छा लगा हमको आप जो विधि बताए, इसमें हमको बहुत अच्छा लगा। तो अभी इसको छिड़काव करने से क्या क्या लाभ होता है उसको थोड़ा बता दीजिए। हाँ, जैसे कि फसल में जो कीट लग जाते हैं, कीट और चाहे मकड़ कुछ भी लग जाते हैं, तो उसका भी बचाव हो जाता है। फिर जो हम लोग का घर में जो सामान रहते हैं, जो पदार्थ सब रहते हैं, उसी से ही हम लोग ये बना लेते हैं दवा को। और इसमें जैसे कि रसायन का प्रयोग नहीं होता है, घर का ही पदार्थ से बन जाता है। जो हम लोग का स्वास्थ्य है जमीन का, और जमीन जो नष्ट हो जाता है वो नष्ट भी नहीं होगा, और हम लोग का स्वास्थ्य में जो हानि आता है वो हानि भी नहीं होगा इससे। ये जो जैविक कीटनाशक दवा जो छिड़काव करेंगे चाहे बनाएंगे उसमें, तो उसमें कोई सावधानी बरतना है? हाँ दीदी, बच्चों से पहले इसको दूर रखना है, बच्चों को पहले आने नहीं देना चाहिए। और अच्छी तरह से साबुन से भी छिड़काव करने के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ मुँह सब धो लेना चाहिए, और फिर जो उसको अच्छी तरह से ढक के रखना है, उसका मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, प्लास्टिक से ढक के अच्छा से रख देना चाहिए। दीदी और जैविक कीटनाशक दवा के बारे में हमको जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा, और हम अपना समिति को भी जानकारी देंगे। क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ दीदी, क्यों नहीं, हम भी संदेश देना चाहेंगे। सभी किसान दीदी और भाइयों को मेरा प्रणाम। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग जैविक कीटनाशक बनाए हैं, तो इससे आप लोग घर में दवा बनाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है, जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नहीं तय करके दिखाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।